तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बड़ों को सचंस पर, छोटों को ढेर सारा प्यार और एडवांस में हैप्पी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये करवा चौथ से पहले का है मेहंदी, और ये पोहा बनाई थी रात को। मुझे कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो मैंने पोहा ही बना के बच्चों को दिया। मेरा कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, तो इन्हीं लोगों के लिए बनाया। मैं केला या कुछ फ्रूट ले लूँगी। तो ये स्वीटी डाल रही मेहंदी, और स्वीटी से इसलिए फटाफट डलवा रही हूँ कि कॉलेज से आई बेटा डाल दे, और ये हाथ लगने वाली नहीं है, इसको भी कुछ काम है कॉलेज के, इसलिए ये गायब हो जाएगी। तो गाइस देखना और बताना कि मेहंदी कैसी है, अच्छी लगाई क्या मेरी बेटी ने, और मेरे हाथों में कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। करवा चौथ से पहले ही लगवा लिया था मैंने, 2-3 दिन पहले ही लगवा लिया था, और अब क्या कहूँ मैं। और हाँ, एक चीज़ बता रही हूँ कि पूजा का ये फल फ्रूट जो भी सामान है, ये नेक्स्ट बाद का, उस दिन का नहीं है, जिसे मंदिर का उस दिन का नहीं है, करवा चौथ के एक दिन पहले का है। और ये सारा सामान मंगा, और इतनी सारी मिठाई देख लो, 5 डब्बे मिठाई थी, तो उसमें से एक डब्बा तो ट्विंकल ने खोल लिया, खा लिया, और मैंने कहा अलग ही कर दो, और ये पूजा के लिए इतना रखे हैं। तो सारे अलग अलग टेस्ट के हिसाब से आए हैं मिठाई, सारे सामान मंगाया है। और ये बिंदी, बिंदी है, मुझे बिंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच में मैं लगाना भी पसंद नहीं करती, मैं डिब्बी वाली लगाती हूँ, वो मुझे पसंद ही है, मुझे पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं, शुरू से नहीं है, पर आ गई है। किसी को दे दूँगी, किसी स्वागन को या कहीं मंदिर वंदिर में, मुझे नहीं पसंद आती है, पता नहीं क्यों। सारा सामान आया, और ये जो है ना, क्या बोलते हो, कलश टाइप मटका, मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही डेकोरेट है, अच्छा कांच वंच लगा है, बहुत अच्छा लगा। और ये नेक्स्ट डे करवा चौथ के दिन का है गाइस, तो मैं तैयार हो गई मंदिर में, घर में पहले पूजा की, कथा की करवा चौथ माता का, कि मेरा सुहाग बना रहे, जहाँ भी रहे कुशल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और बस अब छत पे जा रही हूँ चांद के इंतजार में, और हमारे काले गोरे साथ में हैं, मतलब रेम्बो और मुनमुन, वो मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो ये देखो, हमारा रेम्बो पहले आगे निकल गया, अब ये मुनमुन निकल रही है, मुनमुन रुकी थोड़ी सी, देखो चल रही है मेरे साथ साथ, है ना, बेटियाँ माँ के साथ ही रहती हैं। और चांद आ गया है, देख लो गाइस, आगे देखो, अब इधर देख लो तो चांद आ गया है। मैं पूजा कर रही हूँ फटाफट, और बच्चे अपना शूट कर रहे हैं भाई, व्लॉग के लिए वो लोग शूट कर लेते हैं जैसा मिलता है उनको टाइम, वो भी बहुत बिजी हो रखे हैं, उनकी भी पढ़ाई एग्ज़ाम चल रहे हैं। और मेरे चांद निकल गया, मेरा रेम्बो भी चांद देख रहा है शायद तो अब जल चढ़ा रही हूँ गाइस, छोटा सा ही व्लॉग शूट हुआ इस बार, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चलने की। करवा चौथ सभी, जितनी भी मेरी बहनें हैं सभी को, और सदा सुहागन रहे, हमेशा उनकी जोड़ी बनी रहे। और चांद निकल गया, मैंने पूजा कर ली, और ये मेरी थाली है, जो भी मिठाई प्रसाद बाकी है तो ये ग्रहण करेंगे। सभी का स्वाग बना रहे हमेशा, और सब खुश रहे, और सबका व्रत। तो गाइस नीचे आई हूँ, और मैं सिर्फ फ्रूट खाऊंगी, व्रत खाना नहीं बनाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और ट्विंकल मैगी बना के खा ली, नैना भी मैगी बना के खा ली है, मैं बस फ्रूट खाऊंगी, मन भी नहीं हो रहा था। तो बस देखो कितना अच्छा अमरूद लग रहा है ना, बहुत ही गुलाबी गुलाबी आता है ना अंदर से, पिंकिश पिंकिश, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। अरे मेरी मेहंदी, और आप आ जाओ खाने के लिए आज आपको बुला रही थी मैं। तो चलो गाइस, सभी बहनें भूखी होंगी, सभी भाई लोग ने भी व्रत रखा है कि नहीं रखा पता नहीं, आदमियों का तो कोई गारंटी नहीं भाई, बुरा मत मानना, साफ बता रही हूँ, आदमी लोग बहुत झूठे होते हैं चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।